नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अलवेज विनर में। दोस्तों बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो सेकंड T20 मैच खेला जाएगा। सेकंड T20 जो है वो एशिया कप का सेकंड T20 मैच है। फर्स्ट मैच तो इंडिया पाकिस्तान का ही है और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको मेगा लीग प्ले करना चाहिए, ग्रैंड लीग प्ले करना चाहिए। स्मॉल लीग के लिए तो मैच रिस्की होने वाला है, लेकिन दोस्तों बात करेंगे तो मेगा लीग की 6 टीम्स हमने बनाई है और सभी टीम लॉजिकली बनाई है। ऐसा नहीं कि किसी भी प्लेयर को हमने ऐसे ही ट्राई किया है कि कोई मतलब उसका सिलेक्शन थोड़ा बहुत डाउन है, 20% सिलेक्शन है उसको मैंने हमने ट्राई किया, ऐसा नहीं किया दोस्तों। यहाँ पे इस वीडियो में हमने जो ट्राई किया हर प्लेयर को लॉजिकली सिलेक्ट किया है। सबसे पहले तो हम दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको टीम प्रोवाइड करता हूँ तो टीम में आपको 10% रिस्क लेना होता है, 10% आपको चेंजेस करना है। देखिए अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन आपको मेरी टीम से खेलने का मतलब नहीं है क्योंकि कॉपी पेस्ट करने वाला कोई भी बंदा आज तक विन नहीं किया है, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि अब मेरा सपना है कि मेगा लीग विन करना है तो मैं आपको बता दूँ आपको कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए। और देखिए ये जो 10% होते हैं ये 10% आपका लक होता है, ठीक है। तो आपको अपने लक पर भी डिपेंड रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे लगता है कि नहीं इस मैच में जो है मुझे यहां पे जो सूर्य कुमार यादव को नहीं लेना चाहिए और विराट कोहली को लेना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक रिस्क लिया है, ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है दोस्तों कि नहीं यार कैप्टन वाइस कैप्टन मुझे चेंज करना चाहिए कि यहाँ पे जो है मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन जो है हार्दिक पांडे को बनाया, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार हार्दिक पांडे को कैप्टन बनाने से अच्छा मैं यहाँ पे रोहित शर्मा को बनाऊंगा जो कि ओपन करेंगे और मेरे हिसाब से यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ दो रिस्क लिए, एक तो आपने यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप किया विराट कोहली को लिया और कैप्टन आपने चेंज करके यहाँ पे रोहित शर्मा को बना दिया। तो दोस्तों ये 10% रिस्क ऐसा होता है दोस्तों जो आपको ग्रैंड लीग विन करा सकता है, क्योंकि मेरा लक अलग होता है और आपका लक अलग होता है, सबका लक अपना अपना अलग होता है दोस्तों। और ये जो गेम है ये पूरी तरह से लक पे होता है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। अब मैं आपको मेगा लीग की 6 टीम्स बताने वाला हूं जो कि हमने बनाई है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे दोस्तों टेलीग्राम चैनल की। तो टेलीग्राम चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, साथ ही साथ जो फर्स्ट कमेंट ओपन होगा उसमें भी टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। लिंक पे क्लिक करके सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो गिवअवे रखा है 50,000 रुपये का, यहाँ पे गिवअवे रखा है दोस्तों 1,00,000 रुपये का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों गिवअवे में जो भी मैं आपको 6 टीम्स प्रोवाइड करूंगा जो भी वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो 6 टीम्स आपको यहाँ पे लगाना है, क्योंकि बहुत से जो मेरे मेंबर्स है हमारी टीम के मेंबर्स है टेलीग्राम चैनल को वो विन कर रहे हैं। लास्ट मैच की अगर बात करेंगे तो 20,000 रुपये का गिवअवे था श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान, तो वहाँ पे भी हमारे एक यूज़र ने थर्ड रैंक लाया था दोस्तों। तो रैंक ला सकते हैं आप क्योंकि यहाँ पे फ्री टीम्स मिलती है आपको, मतलब फ्री में यहाँ पे आप मैचेस प्ले कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करेंगे तो हम 6 टीम्स यहाँ पे ओपन करेंगे, एक एक टीम का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहली टीम की अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ओपन कर देते हैं सबसे पहली टीम की अगर बात करेंगे तो हमने किया क्या इस मैच में, इस टीम में ये दोस्तों ये जो टीम होगी ये स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग की टीम होगी। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको स्मॉल लीग का वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्मॉल लीग का वीडियो देख लिया तो जो भी मैं ग्रैंड लीग की टीम्स आपको बताने वाला हूँ वो आपको 100% समझ में आएगी कि मैंने प्लेयर्स को टीम में ट्राई क्यों किया है। अब देखिए दोस्तों ये मैच ही जो होगा रिस्की होने वाला है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने यहाँ ऋषभ पंत को ड्रॉप किया है। अब ऋषभ पंत को ड्रॉप करने का डिसीजन हमने इसलिए लिया क्योंकि इंडिया की टीम पहले अगर बॉलिंग करने का डिसीजन लेगी तो देखिए दोस्तों ये जो टीम है स्मॉल लीग की भी टीम है, लेकिन मैं ग्रैंड लीग के हिसाब से आपको समझाने वाला हूँ। ऋषभ पंत जो है वो एक तो 5th नंबर पे आएंगे, सूर्य कुमार यादव के नीचे आएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि पाकिस्तान की टीम अगर लास्ट मैच देखिए श्रीलंका की जो टीम मजबूत टीम थी वो 106 रन पे ऑल आउट हुई थी और 2 विकेट के नुकसान पे अफगानिस्तान ने मैच जीता था सेकंड इनिंग में, वो भी सिर्फ 10 ओवर में, ठीक है। 10 ओवर में 106 रन की पारी, मतलब 107 रन की पारी खेली थी अफगानिस्तान ने। इस मैच में भी अगर बॉलर्स को सपोर्ट मिलता है, इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है और पाकिस्तान की टीम को मतलब बहुत ही बुरे हालात में 130 रन पे ऑल आउट कर देती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, इंडिया के जो मेन बैट्समैन होंगे वो होंगे रोहित शर्मा ओपन करेंगे, यहाँ पे केएल राहुल ओपन करेंगे, उसके बाद विराट कोहली आएंगे, उसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों तो मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव आ सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 बैट्समैन हो सकते हैं कि 130 का टारगेट कंप्लीट करें। तो हमने यहाँ पे क्या किया, रोहित शर्मा और कोई केएल राहुल दोनों ओपनर को अपनी टीम में रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव को रखा है, इनमें से कोई अगर फ्लॉप हो जाता है तो सूर्य कुमार यादव स्कोर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने ऋषभ पंत को दोस्तों ड्रॉप किया है, ठीक है। यहाँ पे हम अगर देखा जाए तो विराट कोहली 4th नंबर पे आएंगे या फिर 3rd नंबर पे आएंगे, तो विराट कोहली को हमने ड्रॉप किया क्योंकि उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है। तो कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के हमने टीम बनाई है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीम बना दी है और सूर्य कुमार यादव को दिया क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पिक किया है, ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों। आपको सोचना कुछ अलग तरह से, मैं आपको फिर से आगे में भी बताने वाला हूं। दोस्तों ये फर्स्ट टीम होने वाली है और इंडिया के फेवर में टीम बनाई है, 3 बॉलर इंडिया के लिए है। आवेश खान को हमने यहाँ पे ड्रॉप किया जिनका मतलब प्रदर्शन ठीक ठाक चल रहा है, उतना ज्यादा खराब नहीं चल रहा है। और हार्दिक पांडे की बात करेंगे, कैप्टन बाबर आजम को वाइस कैप्टन बना दिया है। उसके बाद दोस्तों बात अगर करेंगे सेकंड टीम की, सेकंड टीम हम यहाँ पे ओपन करेंगे। सेकंड टीम में हमने क्या किया दोस्तों, हमने यही सोचा है कि इंडिया की टीम
विन कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के भी विकेट जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये सोचा है दोस्तों कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा जो कि इंडिया की टीम अगर बैटिंग करने का डिसीजन ले तो रोहित शर्मा यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो कैप्टन रोहित शर्मा को। उसके बाद केएल राहुल, इन दोनों की पार्टनरशिप अगर 40 रन की भी बन जाए तो दोनों ही पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये एक सोचा है। उसके बाद विराट कोहली इस मैच पे टारगेट मतलब चल सकते हैं, तो हमने विराट कोहली को पिक किया, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप किया और यहाँ पे ऋषभ पंत को ड्रॉप किया। हो सकता है कि दोनों फ्लॉप हो जाए, दोनों ज़्यादा पॉइंट ना दें। यहाँ पे बाबर आजम को ड्रॉप करने का डिसीजन दोस्तों इसलिए लिया क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पे जो है वो भुवनेश्वर कुमार ओपनिंग में बाबर आजम को आउट कर सकते हैं, तो ऐसे में इनका प्लेयर बैटल भी अच्छा है भुवनेश्वर कुमार वर्सेस बाबर आजम का। तो अगर आउट कर सकते तो यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार को टीम में ट्राई किया, लेकिन बाबर आजम को ड्रॉप करके फखर जमान को हमने टीम में ट्राई किया है, ठीक है। उसके बाद अगर कैप्टन की बात अगर करेंगे तो कैप्टन आप रोहित शर्मा, और वाइस कैप्टन की अगर बात करेंगे तो देखेंगे हार्दिक पांड्या को हमने वाइस कैप्टन बना दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है बॉलिंग सेक्शन में हमने ज़्यादा रिस्क नहीं दिया है, हरीश राउत नसीम शाह दोनों को पिक किया, लेकिन अर्शदीप सिंह को ड्रॉप करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की होने वाला है, फिर भी हमने भुवनेश्वर कुमार युजवेंद्र चहल को पिक किया। तो ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रिस्की टीम होने वाली है, लग रहा है कि ये सेफ टीम है लेकिन रिस्की होने वाली है। थर्ड टीम की अगर बात करेंगे तो थर्ड टीम जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है क्योंकि हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने जो टीम बनाई है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बनाई है। सबसे पहले तो बात करेंगे हमने रोहित शर्मा और के राहुल, ये दोनों ओपनर है, तो हमने ये मान लिया है कि यहाँ पे रोहित शर्मा फ्लॉप हो जाते हैं, ठीक है। रोहित शर्मा फ्लॉप हो गए तो के राहुल के साथ फिर विराट कोहली आएंगे थर्ड नंबर पर, ठीक है। तो अब मान लीजिए दोस्तों कि होता क्या है कि पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेती है और अगर इनके जो बैट्समैन है वो चलते हैं या फिर फ्लॉप हो जाते हैं जैसे कि बाबर आजम है, उसके बाद देखा जाए फखर जमान, अगर ये चलेंगे कुछ पॉइंट देंगे लेकिन हो सकता है कि 60 रन पे पाकिस्तान का एक विकेट जाए, तो तब तक ये जो दोनों ही बैट्समैन है हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे चुके होंगे। लेकिन अगर बात करेंगे बॉलर्स की तो अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, हो सकता है कि भुवनेश्वर कुमार को फर्स्ट मतलब दो ओवर में विकेट ना मिले लेकिन डेथ में भुवनेश्वर कुमार एक से लेकर दो विकेट निकाल जाए, और हो सकता है कि अर्शदीप सिंह को जो है वो पहले के ओवर में एक विकेट मिल जाए, तो ऐसे भी दोस्तों हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, के राहुल को हमने कैप्टन इसलिए बनाया क्योंकि मुझे लगता है के राहुल स्कोर कर सकते हैं। बाबर आजम की बात करेंगे वाइस कैप्टन के लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, और साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव अगर फ्लॉप होंगे तो हमारी टीम में नहीं है, लेकिन ऋषभ पंत की बात अगर करेंगे इंडिया के विकेट जाएंगे तो फिफ्थ नंबर पर आएंगे ऋषभ पंत, और अगर ऋषभ पंत 15 ओवर के बाद आते हैं फिफ्थ नंबर पर तब तक अगर इंडिया ने 140-150 रन का टारगेट कंप्लीट किया तो फिर ऋषभ पंत आएंगे और धो देंगे सबको और अच्छी पारी खेल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने टीम में लॉजिक लगा कि ये टीम बनाई है। अब बात करेंगे दोस्तों फोर्थ टीम की, तो आप देख सकते हैं ये जो टीम बनाई है पूरी तरह से जो टीम बनाई है हमने बॉलर्स के फेवर में बनाई है, और देखिए यहाँ पे अगर बॉलर्स को सपोर्ट मिलेगा, फर्स्ट मैच में क्या हुआ था, श्रीलंका की टीम पूरी तरह से जो है वो ऑल आउट हुई थी 106 रन के नुकसान पे, और पूरी तरह से जो सपोर्ट मिला था वो मिला था अफगानिस्तान के बॉलर्स को। तो इस मैच में दोस्तों इंडिया के बॉलर्स को सपोर्ट मिलेगा और इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है और पहले 6 ओवर में 2 विकेट जाते हैं, या फिर मान लीजिए कि पहले 10 ओवर में 3 से 4 विकेट पाकिस्तान के जाते हैं, तो बॉलिंग से विकेट निकालने वाला कौन होगा, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और भुवनेश्वर कुमार। आप चाहे तो युजवेंद्र चहल की जगह पर यहाँ पे आवेश खान को पिक कर सकते, तो ये 3 बॉलर निकाले, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे सेकंड इनिंग इंडिया की अगर बात करेंगे तो देखिए केएल राहुल को पिक किया, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे हरीश राउत या नसीम शाह ये दोनों ओपन करेंगे, ओपनिंग बॉलिंग करेंगे, तो दोनों में से कोई एक रोहित शर्मा को आउट किए तो ऐसे में हमने रोहित शर्मा को ड्रॉप किया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये सोचा है कि चलो यार विराट कोहली इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो कैप्टन बना दिया, उसके बाद लोकेश राहुल है, उसके बाद सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप किया जो कि बहुत बड़ा रिस्क होने वाला है, और यहाँ पे ऋषभ पंत को हमने टीम में ट्राई किया। और बात अगर करेंगे नीचे में तो आप देख सकते हैं शादाब खान को हमने टीम में ट्राई किया, यहाँ पे देखा जाए बाबर आजम को ड्रॉप किया, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगी, चलेंगी तो 90% चलने के चांसेस है, अदरवाइज पूरी तरह से फ्लॉप होने के चांसेस है, ठीक है। तो टीम आपको ऐसे ही बनानी है और काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेना है। पांचवी टीम की अगर दोस्तों बात करेंगे तो देखें ये जो टीम बनाई है ये दोनों ही तरह से सेम टीम बनाई है, मतलब दोनों ही टीमों के फेवर में बने, इंडिया की भी फेवर में, पाकिस्तान की भी फेवर में, आप कैसे कह सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर बात करेंगे युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार मेनली ये ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकालेंगे, इसलिए इन दोनों को टीम में हर टीम में रखा है। हरीश राउत विकेट निकालेंगे, यहाँ पे शादाब खान विकेट निकाल सकते हैं, इफ्तिकार अहमद शायद 2 ओवर कंप्लीट कर सकते हैं, बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट दे सकते हैं, इनको टीम में ट्राई किया है। अब दोस्तों बात अगर करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने फखर जमान को ड्रॉप किया, बाबर आजम को, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों अगर फ्लॉप हो जाएंगे तो हमारी टीम में नहीं चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि फैंटेसी में होता क्या है कि ज़रूरी नहीं कि दोनों ही ओपनर चले, हो सकता है कि दोनों ही ओपनर फ्लॉप हो जाए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर अगर देखा जाए तो केएल राहुल को यहाँ पर ड्रॉप किया, साथ ही साथ हमने रोहित शर्मा को ड्रॉप किया, हो सकता है कि दोनों हमारी भी ओपनर फ्लॉप हो जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईली रिस्क होगी, रिस्की टीम होगी। उसके बाद खुशदिल शाह फिफ्थ नंबर पे आएंगे तो इनको टीम में ट्राई किया, बाबर आजम को ड्रॉप किया है तो यहाँ पे रिजवान को कैप्टन बना दिया है, रिजवान भी स्कोर कर सकते हैं। और ऋषभ पंत की बात करेंगे तो ऋषभ पंत जो है वो अगर इनको 10 ओवर के बाद भी मतलब खेलने का मौका मिला तो
5 ओवर में भी बड़ा स्कोर बना सकते हैं, मतलब 20 ओवर तक ये भी खेल सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की टीम होने वाली है। सिक्स टीम की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं ये टीम मैंने इंडिया के फेवर ने बनाई है। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेती है तो अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार ये तीनों ही विकेट निकालेंगे और पाकिस्तान बुरे मतलब बहुत ही बुरे हालत से अगर गुजरती है और 140 रन पे पूरी तरह से ऑल आउट हो जाती है, 10 विकेट के नुकसान मतलब 10 जाते हैं इनके विकेट, तो ऐसे में क्या होगा, एक तो हार्दिक पांड्या भी बॉलिंग कर सकते हैं और रविंद्र जडेजा भी बॉलिंग कर सकते हैं और कम से कम 2 ओवर कंप्लीट करेंगे तो स्पिनर को सपोर्ट मिलेगा, तो रविंद्र जडेजा भी विकेट निकाल सकते हैं, विकेट ये भी निकालेंगे। तो हमारी जो बॉलर्स हो गए, सिर्फ आवेश खान को हमने यहाँ पे ड्रॉप किया है, ठीक है, तो ये भी हमें पॉइंट देंगे और ये दोनों भी हमें पॉइंट देंगे। उसके बाद अगर टारगेट उतना नहीं मिलता है और मान लीजिए कि रोहित शर्मा, केएल राहुल ये दोनों ओपनर जो है पूरी तरह से चलते हैं और 100 रन की अगर ये पार्टनरशिप करते हैं तो हमारे दोनों ही जो है कैप्टन वाइस कैप्टन इंपॉर्टेंट हो गए, अदरवाइज अर्शदीप सिंह को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, भुवनेश्वर कुमार को भी आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा रिस्की टीम होने वाली है क्योंकि बाबर आजम को हमने यहाँ पे ड्रॉप किया, साथ ही साथ फकल जमन को टीम में ट्राई किया। तो ये जो 6 टीम्स है दोस्तों इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको सभी टीम जो जैसे कि जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाई है वैसी टीम दूंगा, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके मैं टीम बनाऊंगा क्योंकि जो डिपेंड करेगा टॉस जो है वो टॉस पर डिपेंड करेगा जो टीम हम बनाएंगे। लेकिन फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, साथ ही साथ जो फर्स्ट कॉमेंट ओपन होगा उसमें भी टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक करके सीधा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों ज्वाइन हो सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आपको गिव अवे ज्वाइन करना है जो कि फ्री में है, गिव अवे ज्वाइन करने के बाद आपको 6 टीम्स यहाँ पे दोस्तों लगानी है, ठीक है। और देखिए मैच कब स्टार्ट होगा, मैच तब स्टार्ट होगा 7:30 पे, तो आपको 7 बजे ऑनलाइन रहना होगा और 7:15 पे मैं आपको मेगाली की 6 टीम्स प्रोवाइड कर दूंगा। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे अगर इस वीडियो को आपको मतलब कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है अच्छी तरह से, आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक जरूर करना ताकि जब भी कोई नया वीडियो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।